टीएमसी को आप 20 मई को सजा देंगे या नहीं देंगे, सजा देंगे कि नहीं देंगे, जबरदस्त सजा देंगे, उनको उखाड़ के फेंक देंगे। साथियों, टीएमसी सरकार की प्राथमिकता आप लोग नहीं है, आप लोगों का हित नहीं है, आप लोगों की भलाई नहीं है। टीएमसी का तो एजेंडा है घुसपैठियों का भला, घुसपैठियों का हित। ये भारत के लोगों को बहिरागो तो बोलते हैं, लेकिन दूसरे देशों से आए घुसपैठियों को बंगाल में कब्जा दिलवाते हैं। आप मुझे बताइए, एक घुसपैठिए बोहिरागो तो है या नहीं है? ये बंगाल के लिए खतरा है या नहीं है? साथियों, वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए कांग्रेस, लेफ्ट और टीएमसी ने बंगाल की पहचान को दांव पर लगा दिया है। कई इलाकों में यहां के लोग अल्पसंख्यक हो गए हैं। टीएमसी के एमएलए खुलेआम हिंदुओं को धमकी देते हैं। वो कहते हैं कि हां, हिंदू कम बचे हैं, हम हिंदुओं को भागीरथी में डुबो देंगे। और टीएमसी उसका भी बचाव करती है, उसे सही ठहराती है। तुष्टीकरण का ऐसा खुला खेल, इतना अमानवीय चेहरा। साथियों, आज टीएमसी सरकार में हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है। यहां महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। संदेश खाली में क्या हुआ, पूरे देश ने देखा। बेटियों के गुनहगारों को बचाने में टीएमसी की पूरी सरकार लग गई। कोर्ट को दखल देना पड़ा। आज आरोपी सीबीआई की गिरफ्त में है, लेकिन टीएमसी अभी भी उसके लिए बैटिंग कर रही है। साथियों, टीएमसी और कांग्रेस में तुष्टीकरण का कंपटीशन चल रहा है। कांग्रेस के सहजादे देश में सबकी संपत्ति की जांच करवाना चाहते हैं। वो आपकी संपत्ति की जांच करवाएंगे, आपकी कमाई, आपकी जमीन उन लोगों में बांटेंगे जो इंडी अलायंस के लिए वोट जिहाद करते हैं। ये लोग आपके बाद भी
आपकी संपत्ति में से आधा हड़पने की बात कर रहे हैं। शहजादे कह रहे हैं कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएंगे। कांग्रेस पार्टी एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण भी मुस्लिमों को देने की बात कर रही है। आप मुझे बताइए, ऐसे लोगों को पार्लियामेंट में भेजना चाहिए क्या? ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? इनकी जमानत जब्त होनी चाहिए कि नहीं? साथियों, विकसित बंगाल, विकसित बंगाल का सपना सिर्फ बीजेपी पूरा कर सकती है, क्योंकि वो बीजेपी का संकल्प है। वहीं बड़ी खबर आपको बताएं, आज पटना में रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जहां एक तरफ इस वक्त पश्चिम बंगाल हावड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली कर रहे हैं, और वहीं आज शाम का कार्यक्रम उनका बिहार में रोड शो का है। आज पटना में ये रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा, जिसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शाम 7 बजे रोड शो की शुरुआत होगी। बिहार की राजनीति में एनडीए का युवा चेहरा है चिराग पासवान। वो न सिर्फ हाजीपुर की अपनी सीट पर प्रचार कर रहे हैं, बल्कि एनडीए के लिए 40 में से 40 सीटों पर प्रचार कर रहे हैं। आइए आज चलते हैं चिराग पासवान से मिलने, उनसे जानते हैं एनडीए की जीत 40 सीटों पर और 400 पार की रणनीति क्या है बिहार में। बिहार की राजनीति में एक युवा नेता ऐसे हैं जिनकी फैन फॉलोइंग गजब की है। अब वो चुनाव लड़ रहे हैं 5 सीटों पर, लेकिन उनकी चर्चा हो रही है 40 सीटों पर। मेरे साथ इस वक्त चिराग पासवान हैं। चिराग जी, बहुत बहुत स्वागत आपका रिपब्लिक भारत पर। और आप हाजीपुर जा रहे हैं रोज अपने प्रचार के लिए, अलग अलग सीटों पर, बिहार की 40 सीटों पर आप प्रचार कर रहे हैं। हाजीपुर की एक ऐसी सीट है जिसपे आपके पिताजी ने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की थी, वहां उन्होंने गिनीज रिकॉर्ड भी बनाया। आपको लग रहा है आप इस बार चिराग पासवान वो रिकॉर्ड तोड़ देंगे? मुझे बिल्कुल नहीं पता, और मैं ऐसी किसी सोच के साथ आगे बढ़ भी नहीं रहा हूं, क्योंकि हाजीपुर मेरे लिए कभी एक संसदीय क्षेत्र नहीं हो सकता। हाजीपुर हमेशा से मेरे लिए घर परिवार रहा। जब मैं राजनीति का रह भी नहीं जानता था, तब से पापा के साथ